दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में पेट कोक बैन पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का वेट करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जो कि जून में आने वाला था, वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के डिले के कारण अभी 26 जुलाई को आया है। चलिए देखते हैं कि पेट कोक बैन पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का रेन इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा। पहले हम लोग पिछले कुछ दिनों का रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में लोगों का ऐसा मानना है कि सब कुछ प्राइस में दिखता है। मतलब ये कि जो गुड या बैड न्यूज है वो स्टॉक प्राइस में दिख ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 26 जुलाई को अराउंड आफ्टरनून में। उस समय रेन इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस अराउंड 202 रुपीज़ पर था, लेकिन अचानक जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का न्यूज आया, ये गिरना स्टार्ट हो गया। फाइनली 188 का लो बनाने के बाद 194 के अराउंड बंद हुआ। मतलब साफ है कि कुछ तो अनएक्सपेक्टेड निगेटिव न्यूज था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में, जहां स्मार्ट मार्केट एक्सपर्ट अपने स्टॉक को जल्दी से अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया। किसी भी टीवी चैनल या न्यूज पेपर पे इसका एनालिसिस नहीं किया कि इसका इम्पैक्ट कैल्सिनिंग इंडस्ट्रीज पे क्या होगा। किसी ने इसका ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया कि इसका इम्पैक्ट रेन इंडस्ट्रीज एंड गोवा कार्बन पे क्या होगा। तो फिर क्या था वो निगेटिव पॉइंट्स रेन इंडस्ट्रीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऑर्डर में? चलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एग्जामिन करते हैं। ये रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी। अगर फर्स्ट पड़ाव को देखें तो ये क्लियरली पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के आर्गुमेंट से सेटिस्फाई है और केवल चार इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी जगह पेट कोक का इंपोर्ट और यूज पर बैन कर दिया है। ये चार इंडस्ट्रीज है सीमेंट, लाइम क्लीन, कैल्शियम कार्बाइड एंड गैसिफिकेशन, और ये फाइनल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। इट इज काइंड ऑफ वर्स्ट फियर ऑफ रेन इन्वेस्टर कम्स ट्रू। मतलब जो डर था वही हुआ। कैल्सिनिंग इंडस्ट्रीज हैज नॉट बीन मेंशन्ड टू एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट बैन, जबकि सिर्फ यही इंडस्ट्रीज है जो इम्पोर्ट और यूज करती है हाइएस्ट केस्ट लोएस्ट सल्फर पेट कोक का, जिसे कि हम ग्रीन पेट कोक बोलते हैं। इसका मतलब जिन इंडस्ट्रीज अपने कंट्री में ग्रीन पेट कोक इम्पोर्ट नहीं कर सकती है, जो कि मेन रॉ मटेरियल है CPC प्रोडक्शन के लिए, और मोस्टली ये इम्पोर्ट होता है चाइना और USA से। अगर आप इस जजमेंट कॉपी का में फिफ्थ पारा को देखें तो स्टील इंडस्ट्रीज एंड एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज को कंडीशनल एग्जम्प्टेड किया गया है, वो भी 2 महीनों के लिए। और नेक्स्ट इसका डिसीजन जो आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो आएगा 1 अक्टूबर को। द एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टील एसोसिएशन ने कोर्ट में अपील किया है कि उन्हें पेट कोक इम्पोर्ट के लिए अलाउ किया जाए। दीज इंडस्ट्रीज मे ट्राई टू रिक्वेस्ट एन इंटरिम एग्जम्प्शन, बट इट इज़ नॉट क्लियर दैट इट कोर्ट वुड एग्री टू हियर इशू बिफोर अक्टूबर। फिर पड़ा को देखें तो स्टील इंडस्ट्रीज एंड एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज को कंडीशनल एग्जम्प्शन किया गया है 2 महीनों के लिए, और अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगा, जिस दिन फाइनल डिसीजन आएगा। हालांकि इन दोनों इंडस्ट्रीज ने रिक्वेस्ट किया इंटरिम एग्जम्प्शन के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि 1 अक्टूबर से पहले इस पर कुछ सुनवाई होगी। So why this industry has not been exempted from the import ban? I have no concrete information on that, but my best guess is that it is an overlook by government department while drafting the guidelines and presenting to Supreme Court. इस कैटेगरी में मेनली 2 लिस्टेड कंपनी है, फर्स्ट रेन इंडस्ट्रीज, सेकेंड गोवा कार्बन। गोवा कार्बन स्मॉल कंपनी होने के बावजूद इनके MD बिजनेस TV चैनल पे और न्यूज चैनल पे आते रहते हैं, अपना क्लारिफिकेशन देते रहते हैं। लेकिन रेन इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट इज सो पैथेटिक, दे डोंट हैव एनी पब्लिक रिलेशन कॉन्सेप्ट इन देयर प्लान। सीमेंट और एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज शुरू से ही बहुत ही एग्रेसिव रही है और गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट भी मिलता रहा है। कैल्सिनिंग इंडस्ट्रीज भी चाहे तो इस पर गवर्नमेंट से कजोली अप्रोच कर सकती थी और इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकती थी। सो हाउ बैड इट इज? रेन और गोवा कार्बन 2 मंथ का GPC इन्वेंट्री मेंटेन करती है। मतलब ये कि ये लोग 2 मंथ का प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 महीने से ज़्यादा टाइम लिया इन कंपनियों को एग्जम्पशन देने में तो क्या होगा? हम लोग श्योर हैं कि सुप्रीम कोर्ट एग्जम्पशन देगी, लेकिन कब? अगर 3-4 वीक के बाद तो रेन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन पे इम्पेक्ट आ जाएगा और रेन अपने CPC सेल करने के कई कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धो देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्युमिनियम इंडस्ट्री विल ऑल्सो सफर इफ रेन गोवा कैन नॉट प्रोड्यूस CPC? एक्चुअली इनके ऊपर बहुत ही कम इम्पेक्ट आएगा। यूजुअली क्वेश्चन आता है कि अगर रेन और गोवा GPC इम्पोर्ट नहीं कर पाएगी तो CPC का प्रोडक्शन कहाँ से होगा, और हिंडालको, नालको, वेदांता जैसे इंडियन कंपनी को CPC कहाँ से सप्लाई करेगी?
सेकेंड पॉइंट ये है कि एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द बैन एंड दे कैन इजिली इम्पोर्ट सी पी सी फ्रॉम चाइना एंड रिसेंट ट्रेंड सजेस्ट दैट दे ऑलरेडी बाइंग मोर फ्रॉम द चाइना बिकॉज इट इज चीपर देन इंडियन सी पी सी सो दे विल इंक्रीज द इम्पोर्ट फ्रॉम द चाइना एंड वॉन्ट हैव सफर टू मच. सो वॉट नेक्स्ट फॉर रेन? एक्चुअली रेन इंडस्ट्रीज इज बैकअप नाउ. रेन इंडस्ट्रीज एक प्रेजेंटेशन बना रही है गवर्नमेंट को लॉबिंग करने के लिए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर सके और बैन से इंजंक्शन मिल सके. मुझे लगता है कि इंजंक्शन मिल जाएगा लेकिन कितने समय लगेगा पता नहीं. जब तक ये नहीं होता है तब तक स्टॉक प्राइस नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ एक रेंज में ही रहेगा. लेकिन अगर इंजंक्शन जल्दी मिल जाता है तो निवेशकों को कॉन्फिडेंस पॉजिटिव हो जाएगा और एक ब्रेकआउट आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट ग्रेफाइट इंडिया एंड एचईजी? शायद ग्रेफाइट इंडिया एंड एचईजी भी इम्पेक्टेड होगा क्योंकि उनका मेन रॉ मटेरियल होता है नीडल कोक और वो भी एक हाई इन पेट्रोलियम कोक ही है और उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से क्लारिफिकेशन लेना होगा कि क्या ये बैन एग्जम्प्टेड होगा या नहीं. शायद आपने ये नोटिस किया होगा कि ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी शेयर भी प्रेशर में था 27, 28 और 30 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट का अनाउंसमेंट आया था लेकिन ये बस रिकवर हुआ एचईजी के सुपर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से. और आज जैसा कि एचईजी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आया है तो कल एचईजी और भी ऊपर जाएगा. ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्राइस नेक्स्ट 2-3 quarters तक स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है इसलिए एचईजी ग्रेफाइट इंडिया के प्राइस में कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है. मार्केट को पता है कि सुप्रीम कोर्ट इससे एग्जम्प्ट कर देगी इसलिए मुझे रेन इंडस्ट्रीज में आगे कोई और नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है अनलेस देयर इज अ डिले इन गेटिंग एग्जम्प्शन. दोस्तों अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए. अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए लेकिन साथ में कमेंट में लिख के मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो में और क्या अच्छा चाहते हैं क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ताकि आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकूँ अच्छे वीडियो बना सकूँ. और प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए. इस बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मिलेगा मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले. तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए. धन्यवाद. जय हिंद.